एक व्यक्तित्व कोई है तो राहुल गांधी जी है। मैं मानता हूं आज का जो मोबिलाइजेशन था ये अपने आप में ये बता रहा था, समझा रहा था कि जो लोग उनको लेकर क्रिटिसाइज करते हैं अलग अलग झूठ और भ्रम के माया जाल पहना के, उनको ये समझ आने लगा है कि देश की जनता कितना चाहती है राहुल जी को। और राहुल जी जिस तरीके से बातें रखते हैं, ये बातें लोगों के घर में जा रही है, हर मोबाइल पे आ रही है, एक हर मोबाइल पे राहुल जी से रोज इस यात्रा को डिजिटल कनेक्ट देश हो गया है। हमारे इंदौर में लाइव मोबाइल पे ये यात्रा पूरा हमारा इंदौर जिला देख रहा है, लोकसभा देख रही है। ये अपने आप में ये बताता है कि उनके उठाए हुए मुद्दे देश के उठाए हुए मुद्दे हैं। तो मैं मानता हूँ आज का मोबिलाइजेशन राहुल जी की लोकप्रियता का पैमाना था। इतनी मेहनत हम नॉर्मल प्रोग्राम में करते हैं उतनी इसमें भी की, पर उसके बाद भी इतना बड़ा जनसमूह अपने आप में उनके प्रति लोगों के आकर्षण का, उनके प्रति लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, और जो वो बोलते हैं कि इस देश में प्रेम की बात होनी चाहिए, प्यार की बात होनी चाहिए, नफरत रहित देश बने, हम सबका देश हो इसकी भावना बने, इस बात को लोग अब आत्मसात करने लगे। कट्टरपंथी लोग, नफरत वाले लोगों से लोग घृणा करने लगे। फिर भी राहुल जी की सोच ऐसी है, घृणा से कोई नहीं जी, कुछ युद्ध नहीं जीता जा सकता, देश नहीं बनाया जा सकता। वो अब भी बात करते हैं तो भय मिटाना है, भय से नफरत आती है। तो भय अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग व्यक्ति और समाज और समूह में होता है, उसको मिटा के देश सबका है इस भाव को बढ़ाने के भाव का आज का मोमेंट था। आज रात को राजबाड़ा पे, ऐतिहासिक राजबाड़ा इंदौर शहर, माँ अहिल्या की नगरी का, वहां पर राहुल जी संबोधित करेंगे। और उसके बाद एक और जो आगे संजय भैया भी बताएंगे। मैं मानता हूं कि कांग्रेस जनों का सामूहिक प्रयास, खासकर जयराम जी, दिग्विजय सिंह साहब और एक सीनियर बॉडी इस पूरी यात्रा को कंडक्ट कर ली, उनका भी हम सब स्वागत करते हैं। और आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं बार बार इस भाव को कि मीडिया हमारी यात्रा को कम बताता है, उसके बाद भी कोई बात नहीं, समूह की अपनी मजबूरी हो सकती है, पर आप सब हमारी मदद करते हैं। मैं मानता हूँ जमीन का पत्रकार, जमीन का कैमरामैन और जमीन के काम करने वाला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का प्रहरी हमारे साथ है। ये यही तो कारण है कि हम हर मोबाइल पे पहुंच रहे हैं, यही तो कारण है कि देश के हर चौराहे पे बात हमारी हो रही, यात्रा की हो रही, राहुल जी की हो रही है। तो ये आप सबका मैं कृतज्ञ है, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि संजय भी आगे की बात कहेंगे। शुक्रिया जी। पत्रकार बंधुओं, आप देख रहे हैं हमारे राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसमें हजारों लाखों आदमी आ रहा है पूरे देश में, भले महाराष्ट्र हो या हैदराबाद हो, मैं सब जगह देख के आया। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जितने युवा साथी, बुजुर्ग, बहने, सभी लोग राहुल जी देश जोड़ रहे हैं, देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए आज इंदौर में सवेरे पौने छह बजे से हजारों आदमी रोड पे चल रहा है, उसके अलावा जीतू भाई पूरी बात बता दिए। परंतु हम आप लोग निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि आज देखिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों करोड़ आदमी एक दिन में हमारा सोशल मीडिया देख रहा है, और आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, क्योंकि हम लोग सबको बराबर दिखाना चाहते हैं। परंतु आप लोग कैसे रोका जा रहा है हम जानते हैं, परंतु उसके अलावा आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं हम देख रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोशल मीडिया कवर कर रहे हैं। परंतु हम लोग ये चाहते हैं कि देश में जो आज देश तोड़ने की बात कर रहे हैं उनको दिखाना पड़ेगा, और हमारा आप हमारा साथ दें, यही निवेदन कर रहा हूँ। बाकी जीतू भाई बात कर दीजिए, धन्यवाद। आदरणीय मीडिया जगत के सभी साथीगण, जैसा कि मध्य प्रदेश हमेशा पहचाना जाता है अतिथि देव भव के नाम से, और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस दिन से शुरुआत हुई, उस दिन एंट्री जब हुई हजारों की तादाद में लोग थे, तो कहीं ना कहीं आस और एक उम्मीद है और एक सकारात्मक सोच जो माने राहुल गांधी जी का है कि इस देश को कैसे जोड़ा जाए, भय मुक्त कैसे किया जाए। उनका एक ही संदेश है इस देश के लिए कि डरना बंद कर दो, क्योंकि उन्हें डराना हर एक पार्टी कहीं ना कहीं बड़ा प्रेशर देती है हर चीज का, ये आप लोग भी जानते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग भी, मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक जो देखा जाता है कि कोई भी छोटा से छोटा मूवमेंट अगर होता है बीजेपी का तो पूरी मीडिया दिखाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जब कोई मूवमेंट होता है, माननीय राहुल गांधी जी का मूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो देखने में भी कम आता है। लेकिन डिजिटल दुनिया है, कहीं ना कहीं आप सब भी इस चीज के साक्षी भी हैं कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो आ रहे हैं और जो जन समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर एक उम्मीद, एक आस है
कि इस देश का कहीं ना कहीं अब भला होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आप आज कम से कम आए हैं ऐसा ही आप लोग दिखाएं ताकि इस देश के अंदर संदेश भी जा पाए। धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा की कन्याकुमारी से हुई। पहले चरण में 5 दक्षिण भारत राज्यों का हमने यात्रा की, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना। उसके बाद में कहा गया कि ठीक है, इन 5 राज्यों में आपको सकारात्मक रिस्पांस मिला है जनता से, देखा जाएगा इसके बाद में क्या होगा। इसके बाद में हम महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में भी 12 दिन हम थे महाराष्ट्र में, 2 दिन का विश्राम का दिन था। 12 दिन जो भारत जोड़ो यात्रा चली 5 जिलों में, दक्षिण भारत से भी अधिक हमें पब्लिक से रिस्पांस मिला महाराष्ट्र में। और राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि महाराष्ट्र में जो हमें देखने को मिला है, जो रिस्पांस आया है, जो उत्साह हमें पब्लिक में देखने को मिला है, वो AA रेटिंग दिया। तब आलोचना हुई, ठीक है महाराष्ट्र तो ये आपका गढ़ रहा है, उत्तर भारत में आके हिंदी हार्टलैंड में आइए और दिखाइए कि भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं पहले दिन से बुरहानपुर से खांडवा तक, उसके बाद खरगोन, और आज सुबह कल शाम को मऊ में जो संविधान को लेकर एक पब्लिक रैली हुई जिसमें खड़गे जी और राहुल जी भी मौजूद थे और उन्होंने संबोधित किया उस जनसभा को, और आज सुबह जो मऊ से इंदौर हम आए हैं, ये साफ दर्शाता है ये दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व का सवाल नहीं है। सारे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीतिक नैरेटिव को बदल दिया है। ये बात सही है, कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा आई है, नई जान दिखाई दे रही है, एक नई उमंग है, पर भारतीय राजनीति में भी कांग्रेस का जो नैरेटिव था वो बदल गया है, और ये भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है। और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में और 7-8 दिन है, हम 4 के रात तक यहाँ आए, उज्जैन में रैली होगी परसों, और उसके बाद राजस्थान जाएंगे, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद में जम्मू और कश्मीर। हम उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी तक हम श्रीनगर में राहुल गांधी जी तिरंगा फैलाएं। तो ये बिल्कुल साफ हुआ है। और बीजेपी की ओर से जो आलोचना आ रही है सोशल मीडिया में, उनके प्रवक्ताओं से, प्रधानमंत्री से, अलग अलग मंत्रियों से, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी परेशानी में है, गई हुई है, नहीं करती थी कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए इतना सपोर्ट, इतना समर्थन जनता से मिल पाएगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको, हाँ कल मैंने कहा आपको लोकेशन मिल जाएगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और कल मैं, ये जैसे आप लोग जानते हैं कब मेरे साथ आए हैं, कल राहुल जी का 7वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 81 दिनों में ये 7वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। एक सीएम थे जो 12 साल सीएम रहे, एक वही 8 साल से प्रधानमंत्री रहे हैं, 20 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक प्रेस वार्तालाप नहीं किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया इंटरेक्शन नहीं किया है। कल राहुल जी 40-45 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, 8-9 सवाल मैं मध्य प्रदेश के मीडिया से लूंगा, प्राथमिकता में मध्य प्रदेश के मीडिया को दूंगा, उसके बाद 4-5 सवाल मैं हिंदी, जो नेशनल मीडिया है, हिंदी अखबार और हिंदी चैनल है, उनसे लूंगा, और अगर कोई अंग्रेजी पत्रकार मौजूद है
उनसे मिलूंगा। एक हमारे बीच में तमिल पत्रकार है, मैं उनको भी मौका दूंगा, पर वो अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे, पर आप तमिल में बोल सकते हैं, मैं उसका अनुवाद राहुल जी के लिए कर सकता हूँ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक भारत जोड़ो यात्रा, मिनी भारत जोड़ो यात्रा है। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो यहाँ जीतू पटवारी हैं, शुक्ला जी हैं, विशाल पटेल हैं, शोभा ओझा जी हैं। इसका जवाब दिया है, ये एक फर्जी वीडियो है, डॉक्टर्ड वीडियो है। ये पहली बार इन्होंने एक डॉक्टर्ड या फेक वीडियो सोशल मीडिया में डाला है, पहली बार नहीं है, और भी डालते रहेंगे। जितना जितना भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा, ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ओवर टाइम काम करेगी। इसके खिलाफ हमने एक FIR भी दर्ज कराया है छत्तीसगढ़ में, और जो कानूनी कार्रवाई हमें करनी है हम करेंगे। इस बेबुनियाद है, और ये मैं नहीं समझता हूँ इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है, डॉक्टर्ड वीडियो है। एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए, एक 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 आपने पूछ लिया ना, अगर दूसरों को मौका दूंगा वापस आऊंगा आपको। हाँ जी, ऐसा है कि ये सिर्फ लाइट के चले जाना नहीं है, अभी जस्ट इस वक्त हमें हमारे कार्यकर्ताओं के, पार्षदों के, जो हमारे विधानसभा लड़े चुनाव उनके, संजय शुक्ला जी यहाँ बैठे, इनके, भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के जन्मदिन मनाती है। हमारा अपना शहर है इंदौर, इसकी रक्षा, सुरक्षा, प्यार, मोहब्बत, इसकी खूबसूरती, इसका देश और विश्व में नाम बने, इसके लिए प्रयास हम सबकी ड्यूटी है। पर बीजेपी के लोग क्यों घबरा रहे हैं इस यात्रा से, इतना कि होर्डिंग निकालेंगे, ये हटाएंगे, वो हटाएंगे। अभी हमारी यात्रा आज चल रही है, इंदौर की प्रकृति कभी ऐसी नहीं थी कि जिस दिन इतना बड़ा देश का नेता जिस शहर में आए उसका शहर राजनीति से भाव से ऊपर उठकर सम्मान करता है। उनके होर्डिंग निकाले जा रहे हैं, उनके जो सजावट है उस पर प्रभावित किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मेयर अधिकारियों को पुश करते हैं कि जाओ निकालो तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, पीछे से बातें आती है। लाइट बंद होना, राहुल जी का पहुंचना उससे पहले लाइट बंद होना, ये प्रशासनिक व्यवस्था की चूक माने या षड्यंत्र माने, ये प्रत्येक का विषय नहीं। हम तो प्रश्न छोड़ते दो मिनट में देते हैं कि ये इस तरह की मानसिकता मेरे शहर की तो नहीं थी, मेरे इंदौर मध्य प्रदेश की तो नहीं थी। हम तो जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आए हो, हमने उनकी जब तारीफ में जो बातें करनी थी वो भी की है, पर इस तरह का नेचर हमारे इंदौर का नहीं है। हम इसकी न निंदा करेंगे न किसी पे आरोप लगाएंगे, आपके डोमेन में ये पूरी भाव छोड़ रहा है। देखो, इसमें कमलनाथ जी अपनी बात कह चुके हैं, आदरणीय जयराम जी अपनी बात कह चुके हैं कि ये प्रशासन का काम है, अगर कुछ आया है तो प्रशासन को देखना चाहिए। ये तो राहुल जी को पता है कि जब मैं सड़क पे निकला उनके तो घर में दो दो हादसे हो चुके हैं, शहीद हुए उनके पिता, उनकी दादी, तो ये उनको पता है कि इस देश के लिए जब भी उनको इस तरह ये भावना डरने की तो है ही नहीं ना, डर मिटाने की है। तो कोई बात नहीं, आ भी चुके हो तो प्रशासन देखे उस पूरे वक्तव्य को। हम तो ये आंकड़े कहां से आए मुझे पता नहीं, और मुझे हर बात का जवाब देना मुझे मैं जरूरी नहीं मानता हूं। हर सवाल जो उठाए जाते हैं, कभी कभी ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जो मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हम तीन मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बारे में एक टिप्पणी नहीं आई है, आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में, राजनीतिक ताराशाही के बारे में, संविधान के जो नजरअंदाज किया जा रहा है कल, जिस पर खड़गे जी और राहुल जी काफी कुछ विस्तार में बोले, उस पर तो कोई बात नहीं आ रही है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है बीजेपी घबराई हुई है। पहला सवाल कंटेनर पर आया पहले रात को, और मैंने सारे मीडिया को कंटेनर का मैंने एक दौरा कराया,
वीडियो डाला, आपने देखा वो कंटेनर में है क्या, बाद में टी शर्ट पर आया, बाद में जूते, तब उनके जो हर विषय पर प्रवक्ता बन गए हैं, जो 25 साल 30 साल कांग्रेस में थे और वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन के अंदर जाकर उनके खिलाफ सारे केस बंद कर किए गए, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने राहुल जी की दाढ़ी पर भी टिप्पणी की। तो करना है बहस तो मुद्दों पर बहस कीजिए। हम मुद्दे उठा रहे हैं, आर्थिक मुद्दे उठा रहे हैं, सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं, उस पर कोई विचार नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं। तो ये जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ इसका जवाब देने की कोई जरूरी है। बसवराज बोम्मई अभी 3 दिन पहले कुछ बोले जो पहले राहुल जी ने भी कहा था। जब राहुल जी ने याद दिलाया सांसदों को कि आर्टिकल 1 हमारे संविधान में कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उन पर लोग बरस गए। गृह मंत्री उनकी कड़ी आलोचना की, सब लोग उनके खिलाफ। मैं इसी को दोहराया है 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो जो आपने बात की, मैं कहना चाहता था कि कभी कभी बीजेपी के नेताओं को भी गलती से, प्रधानमंत्री को गलती से सच बोलने की आदत नहीं है, पर कभी कभी कुछ मुख्यमंत्री बोल देते हैं और बसवराज बोम्मई ने इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स की सच्चाई बता दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 44। इस पर लंबी बहस हुई थी संविधान सभा में, इस पर बहस होती रही है। 4 साल पहले 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार की लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसके अध्यक्ष जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान थे और उन्होंने कहा है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो अभी आपको गूगल में मिल जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल नॉर प्रैक्टिकल, ये उनका कहना है। इस पर बहस होती रहेगी, ये पार्लियामेंट के अंदर होगी, पार्लियामेंट के बाहर भी होगा। पर ऐसे आर यू फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम चाहते हैं कि जो हक है, जो अधिकार दिए जाते हैं महिलाओं को और पुरुषों को, वो समान हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हम हमेशा मानकर चल रहे हैं। तो मैं इस पर बहस होनी चाहिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो आई है 2018 में उस पर बहस हो पार्लियामेंट के अंदर, उसको दबा के रखे हैं ये, उस पर तो बातचीत नहीं होती है। पर चुनावी वक्त, चुनाव के वक्त में जो आता है, विभाजनकारी मुद्दे लेते हैं सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए, चुनावी फायदे के लिए किया गया है, इसके बाद वो भूल जाएंगे। एक 5 सितंबर को राहुल जी के साथ 70 सांसद एक दिन के लिए गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर हम महंगाई पर हमने प्रदर्शन की। एक रैली का आयोजन किया रामलीला मैदान में जिसमें 40 या 50 हजार लोग थे। एक साल से महंगाई के खिलाफ हमने संघर्ष किया है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। ये बात गलत है कहना कि हमने महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया, हम बार बार उठा रहे हैं। राहुल जी ने भी इस भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर हर राज्य में महंगाई, बेरोजगारी,
जीएसटी और ये जो हम दो हमारे दो जो हम देख रहे हैं कि सारा का सारा अर्थव्यवस्था एयरपोर्ट एक कंपनी, पोर्ट एक कंपनी, टेलीकॉम में दो कंपनी, सीमेंट में दो कंपनी, सारा कब्जा अर्थव्यवस्था की कब्जा एक या दो कंपनियों के हाथों में जा रहे हैं, चुने हुए पूंजीपतियों के हाथी में जा रहे हैं। ये बात गलत है कहना कि हम ये मुद्दे नहीं उठाए हैं, पर हम सरकार में नहीं है, हम विपक्ष की पार्टी है और जो करना है हमने किया। हमें अरेस्ट किया गया पार्लियामेंट के बाहर, हम एक दिन किंग्सवे कैंप जेल में हमें गिरफ्तार किया गया, राहुल जी थे वहां, 70 सांसद थे, मैं भी था। 3 बार हमने प्रदर्शन किया दिल्ली में, रामलीला मैदान में भी किया है, राज्यों में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ है। मैं जीतू से कहूंगा मध्य प्रदेश में क्या क्या था। अच्छा, 2 बातें और है। कल आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने भी ये जो प्रश्न पूछा था इस पर अपना वक्तव्य दिया, इसकी एफआईआर की बात आदरणीय जयराम जी ने बताई है। मुख्यमंत्री जितने सम्मानजनक और देश के सम्मानित पद पे है, इस तरह के झूठे वक्तव्य देना उनको शोभा नहीं देता है। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के डॉक्टर वीडियो पर वो इस तरह की टिप्पणी करेंगे, जैसे कि टिप्पणी में बोल भी नहीं सकता, निंदनीय है, उनको नहीं करना चाहिए, इसका उनको खंडन करना चाहिए। और राहुल जी मंदिरों में गए हैं, गुरुद्वारे में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, गिरजाघर में गए हैं, ये भारत की अनेकता है। और अनेकता को मजबूत करने के लिए हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि अनेकता ही से ही हमारी एकता मजबूत होगी। तो अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बेरोजगार से मिल रहे हैं, युवकों से मिल रहे हैं, कई लोग मिलना चाहते हैं राहुल जी से, सड़क पर मिलते हैं, मंदिर ओमकारेश्वर गए थे, सांस्कृतिक जगह है, धार्मिक जगह है, गुरुद्वारा में हम गए थे, नांदेड़ में, गिरजाघर में गए थे, तमिलनाडु में। तो ये सब देखिए, आप सवाल अगेन, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, इसके पीछे ये ध्रुवीकरण की मानसिकता है, ये हमारे संस्कृति के एक अटूट अंग है। और जब हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है अनेकताओं का जश्न मनाना, तो अलग अलग धर्मों के जो नुमाइंदे हैं उनसे मिलने में मैं समझता हूँ कोई इतराज नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई गुजरात नहीं छोड़ा है, राहुल जी गुजरात गए हैं, अशोक गहलोत गुजरात गए हैं, दिग्विजय सिंह गुजरात गए हैं, भूपेश बघेल कल जो मऊ में थे आज गुजरात में हैं, अगले 3 दिन में गुजरात में रहेंगे। ये बात बार 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 कहना कि कोई कांग्रेस के नेता गुजरात में नहीं गए, चिदम्बरम साहब गए हैं, मैं गया हूं, कई नेता वहां बैठे हुए हैं, 6-7 खरगे जी गए हैं और कल खरगे जी जा रहे हैं वापस, राहुल जी 1 दिन गए हैं। तो ये बात गलत है कि हम गुजरात में हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, गुजरात में हम प्रचार कर रहे हैं और आप देखेंगे ये आपका गुब्बारा फूटेगा गुजरात में। ये सब मीडिया का गुब्बारा है। कांग्रेस गुजरात में 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं दूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि गुजरात में चुनाव हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, 2 ही पार्टी है। ये 3रा पार्टी की जो मीडिया में बार बार जिक्र होता है, ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर तो दिखाई नहीं देता। वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है, टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है, बयानों में दिखाई दे रहा है,
मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में आज जो हमने मऊ से लेकर इंदौर तक मोबिलाइजेशन देखा है, राजस्थान में भी इसे बढ़कर मोबिलाइजेशन आप देखेंगे। राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा। राजस्थान के हर कांग्रेस नेता, राजस्थान के हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है या चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सफल हो, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ है और जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी दिखाई दे रहा है। बयानबाजी चलते रहता है। मैंने 3 बार ही इस पर बयान दिए हैं, मैं 4थी बार मैं उसको दोहराऊंगा। अशोक गहलोत हमारे पार्टी के वरिष्ठ और बड़े अनुभवी नेता हैं। सचिन पायलट हमारे पार्टी के युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं। दोनों की पार्टी के लिए जरूरत है। कुछ मतभेद हैं, कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से जो अप्रत्याशित थे, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जो कुछ हल निकाला जाएगा राजस्थान के मामले में और कांग्रेस नेतृत्व इस पर सोच विचार हो रहा है, जो आगे का रास्ता होगा वो संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। व्यक्ति व्यक्ति कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं। बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है, इससे कुछ लेना नहीं देना है। संगठन सर्वोपरि है और संगठन को जो मजबूत करेगा वो ही हल निकाला जाएगा कांग्रेस नेतृत्व की ओर से। आप देखिए, जो कुछ कहना है वह राजस्थान के बारे में मैंने कह दिया है। जिनको समझना है वो समझ गए, जिनको कहना है क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं मैंने कह दिया। अभी आप उसको घुमा फिरा कर मैं कोई समय सीमा नहीं तय कर सकता हूं, वो सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व के तय करेगा। पर मैं सिद्धांत बता सकता हूं और मैंने सिद्धांत बताया है, एक ही सिद्धांत है और वो सिद्धांत है, अगर ये करने से कांग्रेस संगठन कमजोर होगा या मजबूत होगा, वही चुना जाएगा जो कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगा। अगर कठोर निर्णय लेने हैं कठोर निर्णय लिए जाएंगे, अगर समझौता कराना है समझौता कराए जाएंगे। पर मैंने पहले ही कहा है, एक तरफ एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो कई पद पर बैठे हुए हैं, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, हमारे पार्टी संगठन में, और एक तरफ दूसरी तरफ एक युवा नेता, लोकप्रिय नेता, सक्रिय नेता, ऊर्जावान नेता, दोनों की जरूरत है हमें। मैंने कहा ये अप्रत्याशित कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैं समझा, मैं नहीं इसको, मुझे मेरे लिए तो अप्रत्याशित था और मुझे काफी आश्चर्य हुआ। और मैं ये भी कहूंगा कुछ शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री को करना नहीं चाहिए था। जी जी भैया, सबको एक मिनट, सब बहुत अच्छी बातें की और मैंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक जयराम जी की सुनी, इससे स्पष्ट जवाब तो और कोई आप लोगों को मिल नहीं सकते हैं। सबको धन्यवाद, सबको आपको खाना खा के जाना है। धन्यवाद।